दोस्तों, अगर आपके मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिक इंटरनेट डाटा खत्म हो जाता है तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मोबाइल का इंटरनेट डाटा यार बिना कुछ चलाए हुए भी सब डाटा खत्म हो जाता है, तो उसका सोल्यूशन देखिए। आप चाहे रेडमी MI कोई भी मोबाइल चलाते हो, टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को थोड़ा सब्र करके देख लीजिए। और मैं भी उस सेटिंग को करके रखता हूँ, इसलिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेरा भी इंटरनेट डाटा मेरा पहले खत्म हो जाता था, लेकिन आजकल लोग ऑनलाइन क्लास वगैरह करते हैं तो भाई ऐसे में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमें खुशी होगी और आपको और भी वीडियो मिलेंगे। वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग अपने मोबाइल का इंटरनेट डाटा बचा पाए। कमेंट में लिख दीजिए इंटरनेट डाटा सेविंग ट्रिक, ये कमेंट में जरूर लिख दीजिए, इंटरनेट डाटा सेविंग ट्रिक। चलिए दोस्तों, चलते हैं मेथड की ओर। सबसे पहले सेटिंग जो मैं अपने फ़ोन के अंदर करके रखता हूँ वो है, मोबाइल के सेटिंग में जाइए, यहाँ पे अबाउट फोन मिलेगा, लेकिन रेडमी MI सैमसंग मोबाइल में ना नीचे होता है, नहीं MI में तो ऊपर में है लेकिन और सब फोन में नीचे होता है, वो क्या अपडेट वाला। अबाउट फोन में मैं जाता हूँ, MI का मोबाइल है मेरा, तो यहाँ पे देखेंगे MI वाई वर्जन आया, तो यहाँ पे देखेंगे चेकिंग अपडेट हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों सेटिंग में क्लिक करिए, ऊपर में क्लिक करिए, सेटिंग दिखेगा, सेटिंग में जाइए, आपको ये तीनों चीज ऑन रहेगा, इसको बंद कर दीजिए। सैमसंग मोबाइल में तीन सेटिंग नहीं रहेगा, सैमसंग मोबाइल में यहाँ पर या एक ही सेटिंग रहेगा और डाउनलोड डाटा रहेगा, तो उसको बंद कर दीजिएगा। वो क्यों, इससे फायदा होगा, मोबाइल में कोई भी ऑटोमेटिक अपडेट डाटा है तो उसको मैन्युअली करिए अपडेट, ऑटोमेटिक मत होने दीजिए। ऑटोमेटिक में डाटा जो आपका 3-4 गुना ज्यादा ले लेता है, ठीक है, तो यहाँ से डाटा बचा सकते हैं। अब चलिए आगे सेटिंग की ओर चलते हैं। अगला सेटिंग क्या है डाटा बचाने का, तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाने के बाद सेटिंग में जाना है आपको, सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क प्रेफरेंस में जाना है, ये अपने मोबाइल में मैं भी करके रखता हूँ। नेटवर्क प्रेफरेंस में जाएंगे तो ऑटो अपडेट मिलेगा, ऑटो अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे चीजें दिख रही है, ऑटो अपडेट ओवर एनी नेटवर्क ओवर वाईफाई, डोंट ऑटो अपडेट, आपको तीसरा नंबर वाला रखना है, ये रखिए। ऑटो प्ले वीडियो मिलेगा, ऑटो प्ले वीडियो पे डोंट ऑटो प्ले वीडियो करके रख दीजिए, ये ऊपर वाला दोनों मत रखिएगा, आपका हरा वाला जो है इस पे टिक होना चाहिए, डन कर दीजिए। चलिए ये सेटिंग तो मैंने करवा दिया, लेकिन होता क्यों है, इससे क्या फायदा होगा, चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए इससे होता यह है, मोबाइल में जो सब ऐप है सब बैकग्राउंड में डाटा लेते रहता है, कोई अपडेट करने के लिए, कोई डाटा सेंड करने के लिए, आपका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, मोबाइल का डाटा ऑटोमेटिक खत्म भी नहीं होगा, तो ये सेटिंग आप करके रखिए, ये दोनों सेटिंग को। अब चलिए ये तो आपने कर लिया, लेकिन अगला हमारा जो चौथा सेटिंग है वो सेटिंग में जाइए, मोबाइल के सिस्टम अपडेट ऐप रहेगा, वो मोबाइल का अपडेट था लेकिन यहाँ पे नहीं करता है सिस्टम अपडेट ऐप, इस पे जाइए, ये स्पेशली MI के मोबाइल में होता है ज्यादातर, और सब मोबाइल में नहीं मिलेगा, इसमें जाना है, सेटिंग में क्लिक करिए और ये आपको सो अपडेट रहेगा, इसको चालू कर बंद कर दीजिए, और ये ऑटो अपडेट रहेगा, डोंट ऑटो अपडेट आपका इस पे रहेगा चालू, ठीक है ना, आपका ये रहेगा या तो ये रहेगा, आपको किस पे रखना है, डोंट ऑटो अपडेट, ये कर देंगे तो आपके मोबाइल में अब कोई भी ऐप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं लेगा, आपके लिए परेशानी नहीं बनेगा कोई, आपके मोबाइल का डाटा खत्म नहीं होगा। और दोस्तों सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि YouTube जब आप चलाते हैं तो YouTube में मोस्टली आप जो वीडियो देखते हैं ना, तो इसको 360 में देखा करिए, 360 जो है मोबाइल के लिए काफी ज्यादा हो जाता है, तो 360 में वीडियो देखिए, क्वालिटी एडवांस, और ये देखिए ये सब रहेगा ना, आपको 360 में देखना है वीडियो, तो इससे आपका इंटरनेट डाटा बचेगा और क्वालिटी भी नहीं होगा, मोबाइल के लिए 360 काफ़ी है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे और वह भी अपने मोबाइल का डाटा इंटरनेट डाटा बचा पाएंगे जो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, अब प्रॉब्लम नहीं होगा वो सब। कमेंट में लिख देना है बेस्ट इंटरनेट डाटा सेविंग ट्रिक, ये लिख देनी है कमेंट में, इंटरनेट डाटा सेविंग ट्रिक। चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, बाय।